I've fallen in love with I love. I love you. Él bole, wow. किसकी सहायता ली जाए? विचार करो, कैसे निकाले? क्या बात है? क्या हुआ बालको? क्या कोई बालक कुएं में गिर गया है? आयुष्मान भव, तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हमारी गेंद गिर गई है। जब तुम राजपुत्रों से एक साधारण सी गेंद की रक्षा नहीं हो सकी तो इस भूमंडल की रक्षा कैसे करोगे? गेंद और भूमंडल में बहुत बड़ा अंतर है भूदेव। क्या आप हमारी गेंद कुएं से निकालने में सहायता की कृपा करेंगे भूदेव? अवश्य। अर्जुन, क्या आज तूने फिर भीम की खीर खा ली? अच्छा, पहले मेरी गोदी में बैठ। अच्छा बता वत्स, बात क्या है? हम लोग गेंद खेल रहे थे, हमारी गेंद कुएं में गिर पड़ी। अच्छा। हमने बहुत प्रयत्न किए परंतु हम सफल नहीं हुए। तो इस बात पर भीम और दुर्योधन में झगड़ा हो गया? नहीं पितामह, नहीं। झगड़ा तो प्रतिदिन होता ही रहता है। पूरी कथा तो सुनिए। सुनाइए। अब गेंद तो हमसे निकाली नहीं जा रही थी, तो पीछे से किसी ने कहा, क्या कोई बालक कुएं में गिर पड़ा है? अच्छा। हमने पलटकर देखा। श्वेत वस्त्र पहने हुए एक लंबे चौड़े ब्राह्मण खड़े हुए हैं। अच्छा। हमने कहा कि हमारी गेंद कुएं में गिर पड़ी है, तो वे बोले, यदि तुम राजपुत्रों से एक गेंद की रक्षा ना हो पाई तो तुम भूमंडल की रक्षा क्या कर पाओगे? फिर पता है पितामह उन्होंने क्या किया? ओ मेरे वत्स, जब तक तुम बतलाओगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा, सरकंडे ले आओ। तो हम सरकंडे ले आए। फिर उन्होंने एक के पश्चात एक सरकंडा कुएं में फेंका, तो सारे सरकंडे जुड़ गए और गेंद बाहर आ गई। गेंद बाहर आ गई? जी। सरकंडों से? जी हाँ। और ये महापुरुष हैं कहाँ? मैं तो उन्हें वही कुएं के पास छोड़कर आपको ये बताने आ गया। ये आप प्रणाम किसे कर रहे हैं पितामह? गुरुवर द्रोणाचार्य को वत्स। आओ मेरे साथ।
आपके आने से हस्तिनापुर के भाग्य जाग उठे आचार्यवर। केवल नरेश की ओर से गंगा पुत्र, क्या भार्गव शिष्य भीष्म को मेरा आना? मेरा ये कर्तव्य था आचार्य कि पहले मैं अपने नरेश की ओर से आपका स्वागत करूं। और यदि वो ये कहते कि द्रोण को हस्तिनापुर ना आने दो, तब आप क्या करते गंगा पुत्र? इस प्रश्न का उत्तर तो आप जानते हैं आचार्य। द्रोण के हृदय में आपका स्वागत है गंगा पुत्र भीष्म। कृपाचार्य कैसे हैं? क्या आपकी उनसे भेंट नहीं हुई? वो आपको और कृपी को दोनों को लाने के लिए ही गए हुए हैं। मुझे यहां लाने के लिए? वो क्यों? कुलगुरु होने के नाते उनके दायित्व तो बहुत बढ़ गए हैं, और इसी कारण से वो बालकों की शिक्षा पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा कि यदि इस कार्य के लिए आपको आमंत्रित किया जाए तो बहुत उचित होगा। मुझे आशा है कि आप इन बालकों का गुरु बनना स्वीकार करके कुरु राज घराने का मान बढ़ा। आओ बच, आचार्य को गंधार कुमार शकुनी का प्रणाम। ये एक तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। इसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं आचार्य। गुरु दक्षिणा में शिक्षा की समाप्ति के पश्चात ही लूंगा गंधार कुमार। क्षमा चाहता हूं आचार्य। शिक्षा स्वर्ण मुद्राओं से नहीं तोली जाती राजकुमार शकुनी। गुरु और शिष्य में तो भगवान और भक्त का संबंध होना चाहिए।